नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। संदिग्ध परिस्थिति में गोली मारकर की गई युवक की हत्या। आपको बता दें, प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, यह पूरा मामला नेवी कला झूसी का है, जहां राज शर्मा पुत्र दीपनाथ शर्मा अपने परिवार के साथ 31 मई को शाम के समय छत पर था। वह अचानक चीखते हुए छत पर से गिर गया और युवक के सर से ब्लड गिरने लगा। घर वालों ने आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए संगम हॉस्पिटल में ले गए, जहां युवक की माता शशि देवी नर्स स्टाफ हैं। युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे स्वरूप रानी हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां इलाज में लापरवाही होने के कारण युवक के घर वाले पार्वती हॉस्पिटल में ले गए, जहां युवक की सिटी स्कैन में रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद युवक के घर वाले 112 नंबर पर सूचना देकर FIR दर्ज कराए, जिसके बाद युवक को फिर से इलाज के लिए जिला अस्पताल स्वरूप रानी ले जाया गया। युवक ने एक सप्ताह से जिंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से विनय कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर।